जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ और दोस्तों कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, या जो भी आपकी परेशानी हो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिंता हो ना भय। ये आपकी राशि के लिए बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये दो जो मंत्र है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अमूल्य और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंत्र है। ज़िंदगी में हर व्यक्ति, चाहे मैं हूँ आप हो, शांति चाहते हैं और शांति के लिए हम न जाने क्या क्या करते हैं, कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं, कितनी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन शांति जो है वो हमारे मन में है दोस्तों, हमारी आत्मा में है। और आत्मा और शांति, मन में जो आत्मा और हमारी शांति है, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम बाहर उसे ढूंढ रहे हैं, बल्कि वो हमारे अंदर है। और उस अंदर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चिंता। आपको चिंता होगी, छोटी छोटी बातों की चिंता होगी, आपको चिंता होगी अपने बच्चों की, परिवार की, सबकी, और होना भी चाहिए। एक मानवीय स्वभाव है कि ये चिंता हर व्यक्ति में होती है और होना चाहिए। एक ये भी पहलू मैं इस और भी प्रकाश डालता हूँ। तो कुल मिलाकर कहना जो मैं चाहता हूँ उसमें यह है कि चिंता जो है वो चिता के समान है, चिंता जो है वो चिता के समान है। इसलिए चिंता किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमें उस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हो रही है, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो हम चिंता करने वाले होते कौन हैं? मैं जानता हूँ कि लोगों की मदद करने के लिए, मैं जानता हूँ कि जो लोग भावुक हैं, मिलनसार हैं, उनके मन में कई प्रश्न उठते होंगे, कई सारे। लेकिन हम किसी व्यक्ति को केवल क्षणिक भर जानते हैं, उस समय जब उसके हालात ख़राब हैं या वो जब पीड़ित है तभी जानते हैं, लेकिन उसके बैक जो पीछे का साइड है, जो जीवन यहाँ तक आया, उसका हम नहीं जानते हैं। तो हर व्यक्ति को यहाँ अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है दोस्तों, और किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, लेकिन फल ज़रूर मिलता है जो भी उनके कर्म है उस हिसाब से। तो हमें चिंता किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। हम केवल प्लानर है, प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग को सही तरीके से करना, उस प्लानिंग को सही तरीके से होना, ये ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता। हम केवल माध्यम हैं और माध्यम बनाने वाला वो ईश्वर है। तो पहली बात, चिंता को हमेशा अपने दिमाग से बाहर निकाल करके प्लानिंग होना चाहिए कि हाँ, हमें ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, या हम हमारे जीवन के लिए ये करें, लेकिन उसे चिंता स्वरूप में न करें, उसे इंजॉय करें। एक अलग पहली बात, जब आप इंजॉय करने लगेंगे तो वहाँ पर वो फॉर्मूला आएगा, आप उस चीज़ को जी रहे हैं निर्भीक होकर। और जब आप चिंता मुक्त होकर जब जिएंगे तो आप में निर्भीकता आएगी, भय जो है आपके अंदर, जो एक अज्ञात भय, जो ना मैं जानता हूँ ना आप जानता है, लेकिन मन में एक डर है। मरने का डर तो हर किसी को होता है, जान सबको प्यारी होती है, लेकिन उसके बाद भी एक डर होता है, कुछ छीन जाने का डर होता है, कुछ खो जाने का डर होता है। जब हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो हम आप दिन रात इन चीज़ों को देखते हैं। आप महीने में, साल में एक बार शमशान जरूर किसी को छोड़ने जाते होंगे, तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ को नहीं मान रहे। तो अपने दिमाग में इन चीज़ों का जो एक माइंड सेटअप हो गया है ना, माइंड सेट हो गया है, इन चीज़ों से हमें बाहर आना है। तो किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, मन में बिल्कुल शांत रहें। जो हो रहा है सब अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम ना हमारा भविष्य लिख सकते हैं, ना ही हम हमारी किस्मत बदल सकते हैं, और ना ही हमारा किसी पर जोर है। हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, इस प्रकृति के इको फ्रेंडली हम। तो प्लीज़ दोस्तों, चिंता हो न भय हो, महाकाल की जय हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय जरूर लिखें कि कमेंट्स में जाकर कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखें ताकि मुझे भी अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।